यदि मकान निर्माण करवाने से पहले आपने नहीं रखा है वास्तु का ध्यान, जिस कारण से घर में कई प्रकार के क्लेश विपदाएं और फिर अचानक से घर में अकारण हो जा रही है मृत्यु, तो वास्तु दोष को दूर करने का एक साधन वास्तु शास्त्र में दिया गया है, जिस प्रकार से आप अपने घर को टूटने से बचा सकते हैं। बस करना होगा आपको यह उपाय। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुणाल कुमार झा बताते हैं कि किसी भी घर के मध्य भाग में वास्तु मंडप का निर्माण करके वास्तु दोष का पूजन इत्यादि करने से यह दोष दूर हो जाता है। प्रमुखतया यह ध्यान देने की बात है, जो अगर वास्तु से युक्त जो वास्तु शास्त्र के आधार पर में मकान का निर्माण नहीं किए हैं, मकान अब ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है या कोई फ्लैट लिए हुए हैं, हाँ, आ वास्तु दोष के कारण नाना प्रकार का घर में कलह हो रहा है, हाँ, या असमय किसी का मृत्यु हो रहा है, अचानक किसी भी तरह की विपदाएं आ रही है, घर में किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट वगैरह प्रॉब्लम हो रहा है, हड्डियों का टूटना इत्यादि, धन का ह्रास, इस सब अगर वास्तु दोष के कारण से हो रहा है तो इसमें प्रमुखतया सो किसी घर के मध्य भाग में वास्तु पुरुष का मंडप निर्माण करके स्वर्ण रचित वास्तु पुरुष का खोल शुभचार विधान से पूजनादि एवं उनके जो अंग देवता हैं उनका पूजनादि करके एक मंत्र है, जो मंत्र है ओम धरणी विदारणी बुत्यै नमः स्वाहा। इस मंत्र को एकादश सहस्त्र 11,000 जप करके उनका दशांश हवन करेंगे तो घर में जो भी क्लेशादि या अशुभ फलदायक है उस शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे, घर में शुभत्व को प्रदान करेंगे। यही वास्तुशास्त्र का नियमानुसार उपचार है।